हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो का टॉपिक है आरएसएस फीड्स। बेसिक समझेंगे हम लोग कि आरएसएस फीड्स क्या होती हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसएस फीड्स के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और प्रैक्टिकली वेबसाइट्स पर जाकर देखेंगे कि आरएसएस फीड्स हमें किस तरीके से दिखती हैं और उनसे एज यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, और जो वेबसाइट का ओनर है अगर उसने आरएसएस फीड इंप्लीमेंट कर रखी है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन लिख रखी है कि आरएसएस क्या होता है। आरएसएस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज, और वी कैन से दैट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है। कंटेंट सिंडिकेशन जो होता है उसी से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन, यानी एक कंटेंट को दूसरी जगह मूव कराना, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज RSS सिंडिकेशन। या कंटेंट सिंडिकेशन की बात करें तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको ये आई बटन में मिल जाएगा। तो सिंडिकेशन के बारे में एज जनरल टर्म अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब RSS करता क्या है, इस बात को समझो। देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे RSS अगर कोई चीज़ है तो वो एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी कंटेंट को पसंद करते हैं और उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि वो डायरेक्ट आपके पास आए, मतलब वो कंटेंट आपके पास डायरेक्ट आए। तो किसी भी ब्लॉग को जिसको आप पसंद करते हैं वहां से अगर आप कोई कंटेंट डायरेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप RSS फीड्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो वहां पर उस पर्टिकुलर ब्लॉग पर जो कुछ भी नया अपडेट होगा वो थ्रू RSS, जो RSS फीड्स है उसके थ्रू आप तक आ जाएगा, फाइन। तो आप बेसिकली अपडेटेड रहेंगे। थोड़ी आउटडेटेड टेक्निक है बट अभी भी बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, आप देख रहे हैं फीड डेटा सा प्रोग्राम्स विच डिस्प्ले आरएसएस फीड फ्रॉम वेबसाइट दैट यू सब्सक्राइब। जहां से भी आरएसएस फीड के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे और आरएसएस रीडर्स क्या करेंगे, उस कंटेंट को पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो आरएसएस कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए बेसिकली आरएसएस रीडर्स होते हैं। तो ये तो बेसिक जनरल सी बात हुई कि आरएसएस फीड्स क्या होती हैं और आरएसएस रीडर्स क्या होते हैं। तो एक बार चलते हैं हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि उनकी अपनी आरएसएस फीड किस तरीके से दिखती है, और यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे उनको वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गूगल में, और गूगल में हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं शाउट मी लाउड। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट और वी कैन से दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉग है ये, हर्ष अग्रवाल के द्वारा बनाया गया ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपको सिंबल दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको आरएसएस फीड का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस आरएसएस फीड पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर पोस्ट की जा रही हैं वो सारी पोस्ट यहाँ इस फीड में आ रही हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फीड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फीड को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ का जितना भी कंटेंट है आपको, जो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था फीड रीडर्स, उन फीड रीडर्स में आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप अपना फीड रीडर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक एंड की बात हुई, मतलब ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आरएसएस फीड लगाते हैं तो यूजर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बट अभी हम बात करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो को या मैं कहूँ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये जहां पर हम लोग बेसिक समझेंगे कि आरएसएस फीड्स क्या होती हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं, और सेकंड पॉइंट में जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम आरएसएस फीड बनाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर आरएसएस फीड लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम आरएसएस फीड बनाएंगे और उसके बाद उसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे वेबसाइट में, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे जो कल मॉर्निंग में लाइव होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी ये पोस्ट करते जा रहे हैं वो सारी पोस्ट यहाँ पर भी आपको शो हो रही है, ठीक है। बट ठीक है, ये एक टर्म हमें समझ में आ गया कि आरएसएस फीड क्या होती है, उसको देख भी लिया किस तरीके से दिखती है। और बट अभी भी एक क्वेश्चन होता है कि इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारी वेबसाइट को एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रैंकिंग्स जब हम बात करते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से तो रैंकिंग्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट गूगल के एम्प्लॉयज का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें कहना है कि जो आरएसएस फीड है इसका आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप आरएसएस फीड जो है इंस्टॉल कर लेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपको सर्च इंजन की रिजल्ट पेजेस में जो रैंकिंग है वहां पर आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में कुछ आपको फायदा जरूर मिलता है। ये एक रैंकिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। RSS feeds only help search engines like Google to index the content of your site faster and more efficiently. RSS feeds की वजह से क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
जो RSS फीड थी बेसिकली ये वाली, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है फोटोज़ वगैरह नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। गूगल आपके कंटेंट को बहुत तेज़ी से और अच्छे तरीके से इंडेक्स कर पाता है। इफ़ यू यूज़ RSS feeds, if your website needs to update its content regularly, if you have a news website or blog site, having an RSS feed will help search engines pick up all the new URLs and crawl them. तो वही continuity की बात हो रही है कि अगर आपकी news website है, ठीक है, या आप बहुत update रहते हैं अपने blog के ऊपर, अगर आपने RSS feed implement कर रखी है, तो आपको क्या help मिलने वाली कि Google जल्दी जल्दी आपकी blog को crawl करेगा, ठीक है। तो एक indirect factor हो सकता है ranking में, लेकिन direct कोई भी factor नहीं है ranking में। Then RSS feed may result in some other site building free links to your content, then RSS feed may result in repeat visitors to your site which will boost engagement metrics and the value of the pages in your Google size. अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये RSS feed जैसे मैंने सब्सक्राइब कर लिया, किसी यूज़र ने आपके RSS feed को सब्सक्राइब कर लिया, तो उसे बार बार नोटिफिकेशन जाएगा जब भी आप कोई नया कंटेंट भेजोगे, तो जब उसे नोटिफिकेशन जाएगा तो डेफिनेटली वो वापस फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है, या आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा। तो यहां से हो क्या रहा है कि यूजर के एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है, यूजर रिटेंशन मिल सकता है RSS फीड की वजह से। तो डायरेक्ट बहुत से लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर RSS फीड अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर तो क्या हमें डायरेक्ट रैंकिंग में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो गाइस SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रैंकिंग में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रैंकिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि RSS फीड्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स पे RSS फीड्स किस तरीके से दिखाई देती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको RSS फीड क्रिएट करनी है तो आप किस तरीके से RSS फीड क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके कंटिन्यूएशन के साथ है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग अस लव एंड सपोर्ट एंड वाचिंग दिस।